पिछले 3 दिनों से ये ही चल रहा है। क्या चल रहा है? आना पड़ेगा। आना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ गाइस? मतलब कि फ्री विल नाम की कोई चीज ही नहीं होती इस दुनिया में। शादी में तो आना ही पड़ेगा। शादी में आपको हमारे साथ आना ही होगा। चिल रोज मिल्क 45 डिग्री आउटसाइड। यस, नॉन अल्कोहलिक 0%। चीयर्स। हेलो पक्षीराज, हाउ आर यू? वुड यू लाइक टू हैव सम बट आई कांट, बीच में वो नेट लगी है, सो सॉरी फॉर द बैड जोक। मतलब इधर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुमको मजाक सूझ रहा है। ओके चिल ब्रो, बोलो बोलो क्या मसला है आपका, बताइए। प्यार से हम हमारे लाइफ पार्टनर को बलशाली बुलाते हैं। बलशाली, चाहे वो खाना पकाना हो या घर क्लीन करना हो या मेरे साथ ब्लॉग शूट करना हो। डेफिनेटली आई एग्री, जैसा नाम वैसे ही गुण। ओके 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 मेरे दोस्त, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो। यस मेरे दोस्त, हम समझ गए कि शादी के बाद शादी में जाना पड़ता है। So yes, my beautiful and blossom people, this is Josh Armani. I'm back again, back to the new day and a new vlog. आजकल कोशिश हो रही है थोड़ा क्रिएटिव स्टाइल में ब्लॉग किया जाए। कल शाम को ही शादी में जाना है मेरे के हिसाब से, तो हम जाते हैं या नहीं ये तो आपको पूरा ब्लॉग एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। आज सुबह एक ऐसी चीज हमारे साथ हुई जिसकी हम 6 महीने से वेट कर रहे थे, एंड वो गुड न्यूज क्या है चलिए जाके देखते हैं। आइए हमारे साथ टू द कैमरा, गुड न्यूज देख। गाइस ये कुछ देखो मैडम, इस तरीके से लच्छा पराठा बना रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। आज शाम को यस शादी में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स मेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 12:10 और इधर हो रहा है गैस का फिटिंग, नया कनेक्शन ये लोगों ने ड्रिल कर दिया है। इधर से ऑन एंड ऑफ का जो बटन आएगा जो कुछ भी वो इधर लगेगा। ऑन करने के लिए बस ये नॉब वैसे घुमाना है, एंड देयर यू गो, एंड दिस इज द ऑफ। 11 मई को पोरबंदर को बाय बाय किया था, आज 5 साल खत्म हो गए। वहाँ पे मीटर आएगा। सो आई थिंक 1-2 घंटे में ये हो जाएगा। ये पाइप में इस तरीके से क्लैंप लगा दिए हैं। बेसिकली गाइस ये इन लोगों की 3 टीम है, जो फिटिंग वाली टीम है वो आके पूरा फिट कर चुकी है ये पूरा कनेक्शन। नाव अब जो दूसरे आएंगे वो इधर से लगाएंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, और जो थर्ड उसके बाद एक और टीम आएगी जो फाइनलाइज करेगी, और उसके बाद हमारा गैस कनेक्शन चालू हो जाएगा। मार्केट भी जाना है, कपड़े दिए थे इस्त्री करने के लिए वो लेने जाना है। शाम को संगीत सेरेमनी है तो वहाँ पे भी जाना है। स्वच्छता वहाँ पे प्रभुता। प्लीज खाना लगा दो ताकि मैं व्लॉग मेरा एडिट अभी मुझे करना है। चलिए गाइस, आज है तुवर दाल की खिचड़ी सब्जी यूजुअल बर्गर है, और मैं रेडी होने के लिए, और नीरव गए हैं लॉन्ड्री के कुछ कपड़े लेने। 1, 2, 3 यस, सारे लॉन्ड्री के कपड़े आ गए। मिल्क खरीद लिया है, कम क्वांटिटी में लिया जा रहा है क्योंकि बैग जो है वो घर पे भूल गए। बस इतना याद रखना है कि खाली हाथ घर पे नहीं जाना है। यस गाइस, नीरव आएंगे तब तक मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और मिलती हूँ आज के आउटफिट के साथ। चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। आउटफिट दिस बैंगल्स ब्लैक एंड पिंक। अभी ही नीरव का कॉल आया था, देखते हैं लॉन्ड्री के कपड़े आते हैं या नहीं, शायद आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ये वाला इयररिंग्स पहनूं या ए वाला, ये मल्टी कलर का है और मेरा फेवरेट लुक देता है ये।
ओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कंफ्यूजन है ये या ये। मेरा थोड़ा क्या है पता है कि मुझे थोड़ा रेडी होकर किसी को वेट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करे, वेट तो करना पड़ेगा। तो ये या ये करती हूँ अब तो नीरव का, वो जल्दी आए यार, बहुत गर्मी है। A few moments later. ये प्यारी खूबसूरत मुस्कान देखकर डेफिनेटली सारी थकान चली गई और पता नहीं शायद अच्छा महसूस करने लगा था मैं ये शादी में जाने के लिए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं कुछ मैजिक जैसा फील हो रहा था। पार्टनर की खुशी में हम भी खुश होने लगे थे और शादी में जो हमको जाना अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों बट अच्छा लगने लगा था। एंड यस मेरे दोस्त, हमारे लिए ये चीज जादू से कुछ कम नहीं थी। 10 मंथ के बाद ट्रेडिशनल वेयर। बेबी 10 मंथ का अभी होली में ही पहना था ट्रेडिशनल, क्या भजिया कर रही है। मैरिज में हम 10 मंथ बाद जा रहे हैं। यस। A few moments later. थैंक यू माय पार्टनर। समर में हम वाटरमेलन जूस बना के रख देते हैं, अभी ये जो गर्मी में आके पीने का मजा है, मतलब कि डिहाइड्रेशन ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। यस, एक ट्रांजिशन में आई एम रेडी। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती के जल्दी कर। क्या बात है श्रीमती, अब छा गई हो। क्या बात है, क्या बात है बेबी। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। It was love in the air. हवा में प्यार की खुशबू थी और टाइम कैसे जा रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था।